नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। भारतीय रेलवे का निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने छिरेका मार्ग प्रबंधक कार्यालय का घेराव कर रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अम्बेडकर एवेन्यू मुख्य मार्ग को लगभग 1 घंटे तक जाम रखा। सभी प्रदर्शनकारी काले झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तब तक इसको कोई बचा नहीं सकता है। भारत सरकार की नीति है तो प्राइवेट संस्था के हाथों में सार्वजनिक संस्था को बेचना। शोध मुकुब करते पारे किंतु सीएलडब्ल्यू के 5,000 कोटी टाकार को देना है, क्योंकि सीएलडब्ल्यू की भविष्य की बात है। आज ये सीएलडब्ल्यू है तभी आप रह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है। ये रेल जो है सामाजिक व्यवस्था है। भारतीय रेलवे छात्र प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन करा হচ্ছে, শুধু তাই নয়, যে পরিকল্পনা ভারত সরকার নিয়েছে তাতে করে আগামী দিনে ভারতীয় রেল বলে কিছু থাকবে বলে আমার। ভারত সরকার 5 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মুকুব করতে পারে, ঋণের সুদ মুকুব করতে পারে, কিন্তু ভারতের জনতা আম জনতাকে এই টাকা দিতে পারে না। যারা সমাজের উঁচু তলায় বসে থাকে, যারা সারা সারাটা সময় শুধু চিন্তা ভাবনা থাকে দেশের মানুষকে শোষণ করা, শ্রমিক শোষণের যে নীতি সেই নীতিকে প্রয়োগ করে সারা দেশের শ্রমিককে শোষণ করে, তাদেরকে জিন্দাবাদ। মানুষের লড়াইকে সমস্ত ছাত্র, যুবক, ব্যবসাদার, দোকানদার, কারখানা শ্রমিক, মা, বোন, যে রূপ আমাদের কখনো কেউ দেখেনি সেই রূপকে আমাদের দেখাতে হবে। আমরা যদি পারি একটার পর একটা রেল উঠে দেবো, রেল স্ট্রাইক করবো, বন্ধ করবো চিত্তরঞ্জন, সবাই মিলে যে আমাদের দাবি মানতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা হেরে যাব না, আমরা মরে যাব না, আমরা লড়বো। দিয়েছি তো রক্ত, আরো দেবো রক্ত। অভিন পথের বাধা প্রস্তর শক্ত, অবিরাম যাত্রা চির সংঘর্ষে, একদিন সে পাহাড় টলবেই টলবে টলবে। আমাদের সংগ্রাম থেকে একত্রিত হয়ে আমরা আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে একটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিই, আমরা জয় করি, চিত্তরঞ্জন দেখিয়ে দিই সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখার। सबसे पहले मैं इस मंच से चित्रंजन के एससी एसटी एसोसिएशन को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम है, आज देश भर में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एससी एसटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उनका भी वही 18 तारीख को एक अपने 100 दिनों का प्लान बाहर की है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भारतीय रेल की जो भी उत्पादन इकाइयां हैं उन्हें निगम बना दिया जाएगा, उनको कारपोरेट बना दिया जाएगा। हम सब मजदूर वर्ग चाहे रहा है कि हम मजदूरों के साथ खड़े होते हैं, हम दलित वंचितों के साथ खड़े होते हैं, हम सरकार को नहीं देखते हैं। उनके पत्थर भी हो सकते हैं, सरकार के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार किसी भी तरह का ऐसा कदम उठाती है जिससे हमें लगता है कि उद्योग वाले जो जनरेशन को, युवा पीढ़ी को रोजगार बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम सरकार के खिलाफ जाकर अपनी पृष्ठभूमि। আমরা যদি একত্রিত হই, ভারতবর্ষ যেমন স্বাধীন হয়েছে, একা নেতাজি করেননি, হয়তো নেতাজি উপদেশ দিয়েছেন, একা ভগৎ সিং করেননি, সমস্ত ভারতবাসী ওদের হেল্প করেছেন। তো আমি সেটা অনুরোধ করব, এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা প্রচার করবেন যে না, আমরা সবাইকে সাথ দিতে হবে। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি বা অল ইন্ডিয়া যে ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন আছে আপনাদের দিশা দেখাতে পারে, কিন্তু তারা কিন্তু সবকিছু করতে পারবে না আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া। সেই কারণে আমি সমস্ত এমপ্লয়ীদের, চিত্তরঞ্জন বাসীকে, এমপ্লয়ী, বিজনেসম্যান সমস্ত কে রিকোয়েস্ট করব, যে কোনো প্রোগ্রামে আমাদের যখন যে প্রোগ্রাম হয় আপনারা সামিল হন, একাত্তা হন। আজ আমাদের 8টা থেকে 8:30 আমাদের প্রোগ্রাম আছে, সমস্ত চিত্তরঞ্জন বাসীকে অনুরোধ করব যে প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। লেকে পিছলে কই দিনো সে চিত্তরঞ্জন মে বিরোধ দেখা যা রহা হ্যায়, ক্যা আখির ক্যা হ্যায় ইয়ে?
निजीकरण टोटली प्राइवेटाइजेशन है। इसका कुछ दिन पहले पहले हिंदुस्तान केबल जो था पहले निजीकरण किया था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। उसका छाया चित्रंजन से लगने वाला है, इसीलिए जो चित्रंजन का नागरिक श्रमिक व बच्चा सब डर पर है, इसके लिए हम लोग पूरा देशव्यापी खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आपका ज्वाइंट एक्शन कमेटी का आंदोलन का आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का उनका नीति होगा चक्का जाम स्लास्ट होगा। हम लोग को 26 आदमी ये जमीन देने का टाइम शहीद हुआ था, तो अगला दिन यदि चित्तौड़गढ़ कारखाना को निजीकरण का रूप से ले आया जाए तो 126 आदमी अभी तैयार हो गया शहीद होने के लिए। हम सबसे पहले सत्यनारायण मंडल शहीद होने के लिए तैयार हो गया। कहे ना स्टील फाउंडरी CLW का एक अंग है, जो स्टील फाउंडरी कारखाना को बंद करने लिए 300 स्टाफ को मेन वर्कशॉप में ट्रांसफर किया गया। इस बीच में 300 आदमी को ले आने को लिए कोशिश किया है, लेकिन हम ऐलान कर दिया हमारा CME साहब को पास, ये सत्यनारायण मंडल जब तक स्टील फाउंडरी रहेगा सत्यनारायण मंडल जीनेगा, जब स्टील फाउंडरी खत्म हो जाएगा सत्यनारायण मंडल गेट पर शहीद होके वहीं पर शहीद बोधी रूप से आदमी का अपमान पर बाहर जाएगा। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है आपका? आज का कार्यक्रम हो रहा सारा देशव्यापी, जितना रेलवे मुख्यालय है मुख्यालय का सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है निजीकरण का खिलाफ। लेकिन STSC के तरफ से आज SC ST का तरफ से ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन जो दिल्ली में है उसका तरफ से हम लोग को निवेदन आया है सारा भारतव्यापी, लेकिन जो 14 कमिटी है ये लोग हम लोग को साथ है, वो लोग सब एक साथ है, ये SC ST अलग कोई ये नहीं है, चित्रण का जोन का एक ही है। आपका नाम? सत्यनारायण मंडल। इसका छोड़ के हमारा एक डेजिनेशन है समाज सेवक सत्यनारायण मंडल।